हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू माय चैनल द ब्लॉग। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 10:30 और मेरा हो रहा है सोचने का समय। तो सबसे पहले सुबह सुबह नाश्ता हो चुका है, कमरा वमरा सब साफ हो चुका है, तैयार हो चुका है। ठीक है, अभी मैं आपको बाहर चल के एक बार आपको मौसम दिखाता हूँ। ठीक है, देखो मौसम आज का बादल ही बादल लगे हैं आज। तो यार जैसे आप मौसम देख ही लो, कितना भयंकर हो रहा है, गंदा हो रहा है मौसम आज। तो मेरा मन तो कर रहा है कॉलेज ना जाऊँ, मतलब कोचिंग ना जाऊँ, बट कोचिंग जाना ही पड़ेगा। अभी खुला ही है कोचिंग, हमारा कोचिंग बंद नहीं हुआ है। और सुनाई में आ रहा है कि लॉकडाउन लगने वाला है, और दिल्ली में तो लग चुका है बट यहाँ भी लगने वाला है। पता नहीं क्या होता है सीन, अब यहाँ से जाने का होता है शायद, यहाँ से जाने के लिए पिथौरागढ़ जाने का, अब देखते हैं। तो चलो फिर चलते हैं अभी कोचिंग में। ठीक अपनी बाइक, तो चलो चलते हैं। तो यार मैं पहुंच चुका हूँ कोचिंग सेंटर, और अभी छत्ता आया हूँ। तो यहाँ पे इतना बहुत ट्रैफिक है कि ट्रैफिक का साउंड बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो अभी थोड़ा छत्ता आया हूँ ताकि थोड़ा वॉल्यूम क्लियर आए। तो अभी ऐसा है कि मौसम तो जैसे ही देख रहे हो आप, बहुत गंदा हो रहा है मौसम आज। और अभी बैठे लगा रहा था, अच्छा ठंडा लग रहा था ना कसम से, भाई गॉड आंसू मिल रहा। तभी मैं आज खुली पहन के आया था, बट फिर भी ठंडा लग रहा है, लगता है आज बारिश आने वाली है। तो अभी मैं कोचिंग सेंटर में, तो अभी प्राइवेट क्लास में जाता हूँ, ठीक है। अभी आपको क्लास की बात करता हूँ। तो मैं छुट्टी हो चुकी है, और अभी समय हो गया है आपका 1:15, सॉरी 1:30 हो चुका है। तो आप चलते हैं घर को, और मौसम भी वैसा ही है, कुछ चेंज नहीं हुआ है, लगता है आज बारिश आके ही रहने वाली है। तो हम चलते हैं, भूल गए भूत। तो हेलो गाइस, सो अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। अभी समय हुआ है आपका 10:15, मेरा कोचिंग का समय। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे आज ही अगला दिन है, क्योंकि मेरा कल के दिन में मौसम भी ख़राब था, मेरा बैटरी भी लो हो गया, फिर खा पी के सो गया, तो ऐसे ही रह गया। तो वही ब्लॉग को मैं आज के दिन से कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो अभी चलते हैं सबसे पहले कोचिंग, वहीं से उसके बाद सीधे कोचिंग के बाद ही मिलूंगा आपसे। तो मेरा नाश्ता भी हो चुका है, और कमरा में ठीक हो चुका है, ठीक है। तो आज का मौसम तो बहुत सही है, बाद में दिखाता हूँ कोचिंग के बाद। तो अभी चलते हैं सबसे पहले कोचिंग को, ठीक है। अभी हो रहा है समय 1 बजने वाला है, और मेरा कोचिंग छूट चुका है। तो कोचिंग का मुझे समझ नहीं होता कि कुछ प्रैक्टिस किससे करनी है मैंने, ठीक है। तो अभी मैं जा रहा हूँ कल घूम चुका, और मैं कहता वहीं जाने वाले हैं, और हम जाने वाले हैं नहाने के लिए। और वो भी है शहर धारा में, तो भी पता नहीं कैसा है लॉकडाउन में कैसा सीन है वहाँ पे, तो पता चलेगा। मेरे को भी आप लोग को भी कुछ तक आप इंजॉय करो वीडियो। यार मौसम तो बहुत ख़राब हो रहा है, पता नहीं कैसा होने वाला है दिन, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि आजकल देहरादून में मौसम बहुत गंदा हो रहा है, हमारी और ऐसी हवाएं चल रही है, और मौसम देख धूप तो निकाल दिया धूप। तो भाई अपना करंटपुर में मिलने वाला है, तो भाई से मिलते हैं बराबर पहले, ठीक है। ये मिल गया, वेरी गुड बेटे, वेरी गुड। हाँ मेरे भाई का तेल खत्म हुआ रहे यार, इसके साथ जाने का इतनी है, और एक ये कितना सारे रिस्की गेम है। कंकड़ में रोड में लगाना, कंकड़ जगह रोड में कैसा रोड में हमारे एक्टिंग देखो साले की, कितना एक्टिंग करेगा साले, कितना एक्टिंग करेगा, ऐसा 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 एक्टिंग ला बगीची काट रहा है यार। और भाई साहब मौसम देखो यार, मतलब मेरा तो मन कर रहा है कि मतलब ना जाऊं करके, और पर भाई का भाई कह रहा है कि नहीं चलना है, चलना है। 50 कर दो 50। तो यार अब डीजल भरा लिया है दोनों ने, अब निकलते हैं फिर बिना डरे।
मतलब अजीब हो गया बस। दिमाग में अलग से टेंशन चल रही है कि मतलब ये लॉकडाउन का मतलब लोग जगह जगह पे तो लग चुका है लॉकडाउन, पता नहीं देहरादून में कब लगने वाला है ये कुछ पता नहीं चल रहा है मुझे, कुछ किसी को पता है तो बता दो मतलब कि मेरा लॉकडाउन कब से लगने वाला है और कितना लंबा लगने वाला है। तो सबसे मतलब नहीं तो मैं सोच रहा हूँ कि मतलब मैं भी चले जाऊँ करके पिथौरागढ़ को वापस है तो, और पता नहीं क्या है यार नहीं आ रहा है अभी घर से थोड़ी देर पहले अभी राके आते जाते घर वाले कॉल भी आ गया कि मतलब क्या कर कैसा है वहाँ पे माहौल करके ना कैसे सब भूल रहे हैं। अब देखो यार पता नहीं हमें कुछ नहीं पता चल रहा है यहाँ माहौल कैसा है और कैसे होगा थोड़ा ही जानना है, नहीं तो यहाँ से निकलना है लोग कोई तो सब लोग तो निकलने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ से क्या होता है। साई बाबा बुद्धिस्ट टेम्पल का टिकट एंट्री के लिए टू व्हीलर के लिए कटा है जी, पता नहीं फोर व्हीलर का भी कटा है अभी, पर दो हमारे सामने तो दो लोग का नहीं कटा है। देखो सब दुकानें बंद है सब कुछ बंद है, ओके आई थिंक यही है सर सारा पहुंच गए अब। बहुत दूर लेके आ गए भाई तुम, कहा नदी में ले जाने वाले हो क्या? फुल ऑफ रोड हो गए, फुल ऑफ रोड ये है। ओ भाई साहब क्या लग रहा है यार, वहां तो सिर्फ मतलब फॉल था बट नजारा बहुत बुरा हुआ है। ये कहां नीचे जा रहा होगा मतलब वाले भाई साहब कुछ बना मतलब फुल ऑफ रोडिंग कर रहे हैं, नदी में ही ले जाएगा क्या भाई? फुल ऑफ रोडिंग बना लिया है 6000 के अंदर तक ही। खतरनाक वाला ऑफ रोडिंग हो गया है। तो यार हम पहुंच गए 6000 और यहाँ से देखो आप एक बार व्यू यहाँ से एक बार लग रहा है मतलब मौसम तो क्या है बोले सुबह ना लाए मौसम, मेरे को तो नहाने का मन भी नहीं कर रहा है, लोग नहा भी रहे हैं पता कैसे नहा रहे हैं समझ भी नहीं आ रहा भाई साहब, और भूख भी ऐसी लगी है, हम कैश भी नहीं लाए हैं, भूख भी लग रही है, गूगल पे भी नहीं चल रहा है तो नेटवर्क ही नहीं इधर क्या है यार बता दी दिन ही खराब हो गया है मेरा सर। फोटो खींचना पड़ेगा बस, फोटो खिंचाते हैं चल जाएंगे क्या पता नहाएंगे तो ज़्यादा मुझे तो मन नहीं कर रहा, बहुत हैक करा होता है यार। अभी हम चलते हैं यहाँ से, लोग यहाँ आ तो गए हैं अपना एंजॉय कर रहे हैं बढ़िया, और हम यहाँ से ऑफरोडिंग करते थे यार। अभी हम जा रहे हैं घर को यहाँ से, और ये व्यू यहाँ से टॉप से, और ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे बंद बंद कुछ नहीं है, नॉर्मली मतलब लॉकडाउन के समय में भी
कोई दिक्कत नहीं होगा, लोग मास्क से एंजॉय कर सकते हैं। और हमने मतलब आधा घंटा यहीं बैठ के मतलब इंतजार किया कि चलो मौसम ठीक होगा फिर करते हैं एंजॉय करके, बट मौसम ठीक हुआ नहीं और फिर हम चले गए घर को। और खाली मतलब इतना मजा आ रहा है कि मतलब इतना दूर आया वैन का नहाया धोया भी नहीं, मतलब सॉरी मतलब नहाया भी नहीं, इंजॉय भी नहीं किया, बस खाली फोटो वोटो खिंचाया और आ गया वापस घर को। तो यार ये है पूरा माहौल देहरादून का, जैसे दिख रहा होगा आपको पूरी रोड सुनसान हो चुकी है, बाइक रोड बहुत कम यार, मानना पड़ेगा यार बेटा लॉकडाउन में खतरनाक हो रही थी। ये देखो भाई साहब और पलटन ने दूर देख ला, ये देखो पलटन दूर पूरी पूरी बढ़ रही है, पूरा देहरादून बंद हो चुका है भाई। तो हो चुका है शुरू लॉकडाउन 2 बजे के बाद से, और ये चलते हैं अपने घर। चलो तो यार मैं आ गया हूँ घर अभी, और तो अभी समय हो गया आपका 4:30, और जैसे कि आपने देख ही लिया पूरा लॉकडाउन लग चुका है 2 बजे के बाद से। तो अभी आ गई मुझे भूख, तो मैं भी बना के खाता हूँ, अभी टाइम तो ओवर हो गया है। तो आज के वीडियो एंड कर लेते हैं, आई होप वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो क्या करना चाहिए आपको बताइए, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय, टेक केयर, पीस आउट।